हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है आप सभी लोगों के लिए। आज एक बड़ी खुशखबरी एनटीपीसी की तरफ से आई हुई है कि एप्लीकेशन स्टेटस, आज से जो स्टेटस है आपका वो दिखना चालू हो चुका है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। ये एक बड़ी खुशखबरी इसलिए भी है, आखिरकार एनटीपीसी की तरफ से एक आगे कदम बढ़ा है एग्जाम की ओर कि हाँ, एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिए गए हैं। तो उम्मीद ये है कि 15 दिसंबर तक एग्जाम भी हो जाएगा। ये एक पहला कदम है एग्जाम की ओर है, ठीक है। तो सभी लोग आज की आज और अभी की अभी, जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, जाइए एनटीपीसी आरआरबी की साइट पे जाइए। वहां पे आप जाएंगे, अलग अलग रीजन लिखे होंगे, किसी भी जिस रीजन से आपने अप्लाई किया वहां से आप क्लिक कीजिए। अलाहाबाद, अजमेर और बहुत सारे, अहमदाबाद, काफी सारे रीजन दे रखे हैं, उनमें से किसी भी रीजन पे क्लिक कीजिए जिससे आपने अप्लाई किया है, ठीक है। अप्लाई करने उसके बाद वहां पे तीन चीज लिखी हुई आएंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आएगा और फॉरगेट का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर याद है या आपका कहीं लिखा हुआ था आपने, तो उसको डालिए यहाँ पे, अपनी सही डेट ऑफ बर्थ जो एग्जाम फॉर्म में डाली थी वो डेट ऑफ बर्थ डालिए और यहाँ पे ओके आएगा बटन, यहाँ पे आपका ओके का बटन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे शो होगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ऐसा लिखा हुआ वहां पे आएगा। इन केस ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, अब इतनी साल पुरानी ये बातें हो गई, कब तो फॉर्म भरा था, कब क्या भरा था। अगर आपको याद नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है, फॉरगेट। फॉरगेट पे क्लिक करिए। जब फॉरगेट पे क्लिक करेंगे तो वो तीन चीज मांगेगा। पहला मांगेगा जो आपने ईमेल आईडी को रजिस्टर किया था वो ईमेल आईडी, दूसरा मांगेगा फोन नंबर, रजिस्टर्ड फोन नंबर मांगेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। इन तीन चीजों को आप फिल करेंगे और वहां पे लिखा होगा गेट डिटेल्स, तो उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये दोनों ही तरीके हैं, आप अपना फॉर्म को चेक कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और हमेशा मैं आपको ये बोलती हुई आ रही हूँ कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, ईमेल आईडी और फोन नंबर हमेशा खुद का डालें। सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है, आप सबने अगर नहीं देखा है जरूर देखिए, एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। और उम्मीद करती हूँ सबका फॉर्म एक्सेप्ट ही हुआ होगा। तो बिल्कुल ये गुड न्यूज है, जरा पूरे जग में फैला दीजिए भाई कि खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, एनटीपीसी का स्टेटस जारी हो गया भाई। अपनी पढ़ाई को जोर शोर से शुरुआत कर दीजिए। कल ही मैंने इसकी स्ट्रेटेजी भी बताई थी आपको, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सभी लगे आग की तरह फैला दो और सभी के सभी बच्चे अभी से ही देखना चालू कर दीजिए सबके एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये आपकी न्यूज थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करेंगे। तो अभी मिलते हैं हम लोग 8 बजे अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। टेक केयर, बाय।